ज्यादा है क्या नंबर और थैंक्स फॉर लास्ट क्या बात है लेकिन आप जो मेहनत किया था तो आज है फिजिक्स वाला का लाइव रिजल्ट सेलिब्रेशन डे नीट 2023 का और इसे जो देख रहे हो इसी का रिजल्ट सेलिब्रेट करने जा रहे हैं हम अलग सर के पास। उन्होंने बुलाया इनविटेशन देके तो वहाँ पे जा रहे हैं गाइस। और यहाँ ये जो आप देख रहे हो ये PW विद्यापीठ है जहाँ से इसने तैयारी करी थी इस साल, तो वहाँ पे आए हुए हैं और ये अपना पोस्ट दे रहे हैं जो अभी ट्रेंड चल रहा है रील का वो, ठीक है। इसका स्कोर गाइज आया था 685 और रैंक आई थी 1210, जिसको आपने देख ही लिया होगा फिजिक्स वाला चैनल पर लाइव सेलिब्रेशन पे 1 hour 48 minute पे है, जिसको देखना हो देख लेना गाइस। तो ये फुल AC बस जो कि PW से की गई है, ये हमें PW विद्यापीठ से नोएडा लेके जाएगी अलग सर के पास। टाइम बहुत हो गया था निकले हुए तो यहाँ हमें रोका गया था, ये दूसरा विद्यापीठ है कोई जो रास्ते में आया था और यहाँ पे हमें रुकने के लिए बोला गया है। और यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे, यहाँ भी काफ़ी ढोल वोल बजे हैं, तो यहाँ कुछ रिफ्रेशमेंट दी जा रही है जिसको भी खाते हैं इंजॉय करते हैं। काफ़ी टेस्टी था यार, बहुत मज़ा आया। इसको देखो कैसे घूर रहा है यही है मेरा भाई गाइस जिब्राइल, ठीक है। इसको देख लिया होगा अब तक, इसका शायद अलग सर इंटरव्यू भी लेंगे बोला है। और अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं नोएडा और फाइनली हम नोएडा पहुँच ही गए हैं। देखो कैसे स्वागत हो रहा है हम लोगों का स्वैग से और यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी बच्चे आए हुए हैं बहुत ज़्यादा, यहीं से लाइव है सर तो उनके पास भी जाना है। अभी पहले अलग सर मिलेंगे तो चलते हैं गाइस। देखो कितना बड़ा ऑफिस है सर का, काफ़ी बड़ा ऑफिस है, सारे लोग ताली बजा रहे हैं। बस यहाँ हम वेट कर रहे हैं, ये सारे टॉपर्स हैं अलग सर जस्ट काम अभी अलग सर फीडबैक ले रहे हैं इनसे कि और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है PW को और क्या क्या इसमें एडिशनल किया जा सकता है, क्या क्या अच्छा किया जा सकता है बच्चों से। काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहा जो कर रहे हैं सर, सबका नोट भी करते जा रहे हैं जो भी बोल रहा है कि हाँ ये चीज़ करना चाहिए, ये चीज़ करना चाहिए। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, स्टे कनेक्टेड विद PW, आपके काम करेंगे आगे, जितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं सर उनके साथ इन कहीं जुड़े होते हैं काम करते हैं, आप सभी का, सभी मतलब सभी का डेटा हमारे तो पास है और आप में से हर एक का डिटेल इंटरव्यू होगा और ये चलेगा पूरे साल के साथ। तो आप सबका डिटेल इंटरव्यू का मतलब होता है जैसे अभी आप यूट्यूब पे चैनल को आपने देखे जो पेपर सुने, तो सभी का 40-45 मिनट इंटरव्यू करेंगे। पूरा नया शो हम लोग बनाएंगे, वायरल की सिटिंग में थी और हम लोग 40-45 मिनट 50 मिनट पूरी जर्नी डिस्कस करेंगे। अफकोर्स अभी हम लोग अल्फाबेटिकली बुक करेंगे क्योंकि सभी विद्यापीठ से ऑनलाइन से पहुँचा है, तो एक एक करके सब लोग आएंगे। साल भर आप लोग मतलब हमसे इस साल हम लोग का टारगेट, तो अभी हो सकता है आपको लग रहा हो कि यार मेरा इंटरव्यू हो सकता है किसी का आप चले,
एंड इट्स ओनली डिपेंड्स नॉट ऑन योर मार्क्स, इट्स ओनली डिपेंड्स ऑन द मार्क्स प्लस एनी काइंड ऑफ इंपैक्ट यू हैव, कैसा है कि पिछले साल आपके दूसरे नंबर थे इस बार ऐसा कुछ कर दिया है ना, तो इस तरह की चीज बच्चों को मोटिवेट जो कर सके, एक जनरल स्टोरी भी हो सकती है, एक नॉर्मल स्टोरी भी हो सकती है, पर अगर कोई बहुत मोटिवेटिंग स्टोरी है तो लोग तुरंत पिक कर लेते हैं जो जनरल लोग अर्थ लेता है, बट अदरवाइज भी सभी का इंटरव्यू उन्होंने पूरा डिसीजन हो चुका है, कारपोरेट कैरेक्टर बन गया, तो मेरा आपके साथ इंटरव्यू रहेगा, मेरा रोज इतनी कई घंटा मुख्य से बहुत बच्चों के इंटरव्यू के लिए डॉक्टर इंटरव्यू, तो उसमें आप लोग आओगे, आप लोग से हम लोग मिलेंगे और उसमें आप लोग गिफ्ट भी देंगे, तो शायद अभी भी आपको अपने विद्यापीठ से कुछ मिलने चाहिए, वो आपको विद्यापीठ जाकर बवाल करना चाहिए, वो आपको अपने विद्यापीठ बवाल करना चाहिए, धरना देना चाहिए उसके लिए आपको, वेरी गुड, कब दोगे आइफोन? तो आप सभी से डिटेल में मेरी चर्चा हो, कुछ लोग सोच सकता हूँ अभी रिसेंटली कटऑफ तो हम लोग ने बढ़ाई है, बिल्कुल बहुत दूर दूर तक एजुकेशन पहुंच गई ना, तो और सबको सेम कंटेंट मिलने लग गया, अभी तक क्या था कुछ प्रिविलेज बच्चों को अच्छा कंटेंट मिलता था, कुछ बढ़िया मिलता था, सबको सेम कंटेंट मिलने लग गया, यहाँ अलग सर के साथ इन बच्चों का इंटरेक्शन हो रहा था काफ़ी अच्छा खासा, सर से बातचीत हो रही थी कैसे कैसे नंबर्स आ रहे हैं, और ऊपर वही इवेंट चल रहा है लाइव जो कि आप लोग देख रहे थे लाइव, ठीक है, तो वहाँ भी हमें ले जाया जाएगा अभी यहाँ से, तो वहाँ भी जाएंगे जिस पे स्टेज पे सर तो यहाँ एक अच्छा खासा फोटो सेशन हुआ, सभी बच्चों का इंडिविजुअल फोटो भी आया और फिर सबके साथ भी फोटो आया, काफी अच्छा माहौल था, बिल्कुल मजा आ रहा है बिल्कुल सर के साथ, नंबर नहीं बताया तुमने टेलीग्राम से चला था, अरे क्या बात है, और खाना भी खाना चाहिए यार, इस तरह फोटो शूट चल रहा था काफ़ी देर तक चला क्योंकि बच्चे बहुत सारे सेलेक्ट हुए हैं, सारे के सारे टॉपर हैं यहाँ पे, और सबको अपनी इंडिविजुअल पिक चाहिए, सर के पास टाइम भी नहीं है, पैसे लेके ऑफिशियल वीडियो आ गया है इस समय, अपनी रैंक सबमिट करो पैसा ले जाओ, चेक करो ना, अरे मैं अभी आपको क्लियर बोल रहे अलग सर के बाद आ रहे हैं प्रतीक सर जो कि को फाउंडर है, वो भी बच्चों से मिलेंगे और उनको उनसे थोड़ा फीडबैक वगैरह लिया इन्होंने भी कैसा कैसा
जाएंगे। तो कोई भी इस फेवर में नहीं है कि हम आप लोगों को डिवाइसेस अलाउ कर रहे हैं और वहां पर डिवाइसेस बैन कर देते हैं। कैसा रहा प्रिपरेशन साल भर, क्या क्या इंप्रूव कर रहे हैं? तो प्रतीक सर यहाँ पर बच्चों से इनका फीडबैक ले रहे हैं कि PW में क्या क्या किया जाए, क्या नए नए मॉडल डिस्कस कर रहे हैं कि मतलब ये चीज़ें अप्लाई करना सही होगा क्या। तो अब हम लाइव रिजल्ट सेलिब्रेशन इवेंट में जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे कैंटीन में रुकेंगे जहाँ पे डिनर का भी पूरा अरेंजमेंट किया गया है बट हम कर नहीं पाए। सर और पंकज सर आए हुए हैं मिलने के लिए इधर ही, क्योंकि इवेंट में ऊपर थे, ये ऊपर से भी इधर आए हैं, तो मैं भी जरा ले लेता हूँ एक बार अपनी भी। और अब एक फ़ोटो MR सर के साथ, द MR स्टार। तो यहाँ पे अपनी उंगलियों को तोड़ मरोड़ के PW लिखने की कोशिश की जा रही है। और फाइनल में लग गई है PW। तो फाइनली अभी हम अंदर जा रहे हैं। सबसे पहले जिब्राइल को ही बुलाया है अंदर, जहाँ से लाइव हो रहा है फिजिक्स वाला रिजल्ट सेलिब्रेशन। ठीक है, तो चलिए अंदर चलते थे। वो कितना अच्छा सजा रखा है, काफ़ी मतलब अलग सा ही फील आ रहा है। मेरे मम्मी पापा भी आए हुए हैं, और अंदर जाते ही आपको सारे के सारे PW स्टार देखने को मिलेंगे, जिनको आप स्क्रीन पे देख रहे हो वो बिहाइंड द सीन आपको देख रहे हैं, समझ लो एक तरह से। ठीक है, और यहाँ पर आपको पहले ही सबसे पहले तो मैं समाप्ति में, और अभी इस बच्चे का चल रहा है लाइव जिसे आप देख रहे होगे जिस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अलग सर के साथ हो रहा है। और यहाँ पर देख सकते हो सारे के सारे PW स्टार, और ये समाप्ति मैम आती हुई है। तो देखो गाइस यहाँ पर शूट हो रहा है, मतलब यहीं से लाइव हो रहा है, और काफ़ी ज़्यादा प्राउड मोमेंट है यार यहाँ तक पहुँचने का, इसने मतलब पाया है इतना बढ़िया। जिब्राइल को मेरी तरफ से बहुत 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 कंग्रेचुलेशन, और आप सबको भी गाइस, आप में से भी कई सारे सिलेक्ट हुए होंगे। अभी MR सर आए सामने, ये कह रहे थे कि सर एक साल खराब हो गया, एक साल बर्बाद हो गया, बाकी क्या करना। देखो भाई, खराब नहीं होता है, ईमानदारी से दिल में हाथ रख के बताओ, कुछ एक साल में तुमने अगर ढंग से मेहनत किया है तो कुछ सीखने को मिला है कि नहीं मिला। मैं मान सकता हूँ कि शायद आपके नंबर कुछ कम रह रहे होंगे, लेकिन आप जो एक अगर थोड़ी बहुत मेहनत किया था, सब कुछ सेक्रीफाइस किया था, अपने लिमिट को क्रॉस करके मेहनत किया था, हर क्लास लिया था। सर बस मतलब अभी जिनका सिलेक्शन नहीं होने, ये कहूँगा एक तो डिस्ट्रैक्शन से बच जाना, मतलब कई सारे लोग आजकल अलग अलग मतलब सोशल मीडिया यूज करते हैं, मतलब इंस्टाग्राम वगैरह तुम यूज करो, मेरे कॉलेज में आके कर लेना, हां कॉलेज उसको ये मतलब चलो एमआर सर को चले दो, मैटर टू करके ना आधे टाइम में देख लूंगा। ये बच्चे करते हैं सर, जाऊंगा जिब्रेल। तो अब जिब्राइल का नंबर आ गया है, अब जिब्राइल को बुलाना चाहूंगा, चलते हैं वहां से, फिर थोड़ा बताता है अपनी कहानी वगैरह बताएगा। आपने देख ही लिया होगा वैसे लाइव, 1 hour 48 minutes पे है इसका लाइव, में आप देख सकते हो अगर जिसने नहीं देखा है तो। और मैं 21 बैच से अलग सर से पढ़ा हूँ, मैं उन्हीं के बैच से पढ़ा था, तो उस साल तो थोड़ी बहुत कमी मेरे अंदर रह गई क्वेश्चन प्रैक्टिस में, उसके लिए रह गया, लेकिन अगले साल मैंने यकीन दोबारा से ज्वाइन किया, तो उससे मैंने सब कुछ अच्छा हो गया था, सब कुछ सही चल रहा था, मेरे मार्क्स भी अच्छे आए थे, मेरे पास प्रूफ भी है, मतलब मैं स्क्रीन शॉट पेरेंट्स को और भाई भैया को भेजता था, तो मार्क्स भी सही आए थे, 650+ ही आए थे, लेकिन फिर भी मेरा नीट 22 में 593 रह गया, मेरा क्वेश्चन छूट गए काफ़ी तक, इसलिए कुछ हो गया था उसमें। उसके बाद फिर मैंने फाइनली इस ईयर विद्यापीठ ज्वाइन किया, विद्यापीठ जनकपुरी, और मैं वहाँ पे टेस्ट देता था, वहाँ पे काफ़ी हेल्प हुई कि वहाँ पे कंपटीशन का माहौल भी मेरे को मिला अच्छा, जो मेरे लिए ज़रूरी था, तो वो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और साथ ही साथ वहाँ पे जो टेस्ट होते थे उनके डाउट्स भी वहीं सॉल्व हो गए थे मेरे, और लास्ट में इतने टेस्ट दिए कि पूछो मत सर, मतलब 30 दिन में बहुत टेस्ट दिए थे, और उनसे बहुत इंप्रूवमेंट हुई। लास्ट में जो टेस्ट होते हैं, मेरे एक भैया ने और कहा था, वो सबसे ज़रूरी होते हैं कि लास्ट में टेस्ट देना बहुत, और लास्ट अगर लास्ट वीक की बात करें तो उसमें रिवीजन ज़्यादा करना होता है, उससे थोड़ा पहले टेस्ट बहुत ज़्यादा देने होते हैं, ये तो मेरे को पता चल गया।
बहुत बहुत बधाई हो, अच्छे नंबर लेके आ रहे हो, इस बार बढ़िया कॉलेज मिलेगा, सारी कमी पूरी हो गई एक साल में, है ना। सर मेंटल प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है ड्रॉप में ना, लेकिन उसको कैसे हैंडल करते हैं मेंटल प्रेशर को, बताओ कुछ। सर मेरी हालत थोड़ी सर नहीं सर हालत थोड़ी अलग सी हो गई थी, मतलब इस ईयर यही 3-4 महीने पहले नीट से पहले मेरा ऐसा हो गया था, मैं एक दिन ऐसा टेस्ट में मार्क्स 687 आए थे मेरे, टेस्ट हुआ था विद्यापीठ में, उसमें हाईएस्ट रैंक थी, फर्स्ट रैंक थी और 687 आए थे। फिर मैंने एक और टेस्ट उसी दिन को दिया था, लेकिन उसमें थोड़े कम मार्क्स हो गए थे। मेरा ऐसा है सर, पिछले साल भी मेरे मार्क्स ज़्यादा आते थे लेकिन फिर भी मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ था 22, तो थोड़ा सा ये डाउट रहता था कि क्या मैं इस बार भी तो मार्क्स ला रहा हूँ लेकिन क्या सिलेक्शन होगा, मतलब सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है सर। तो इस साल ऐसा हो गया था, मैं बायो की बुक खोली तो मेरे को वैसे ही डर लग रहा था, एक दिन ऐसा हो गया था और 2 महीने तक थोड़ा अपने आप को ही समझा रहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें आता है सब कुछ क्योंकि मार्क्स आ रहे हैं तो वहाँ होगा, और ऐसे करते करते टेस्ट देते बढ़िया बहुत बढ़िया लास्ट में ऐसे हो गया सर इस साल। सर और सर आप इससे मैं फिजिकल बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बधाई। ये लिस्ट सच में यार टाइम कम पड़ गया कि मतलब एंड होने को है और फिर भी बच्चे खत्म ही नहीं हो रहे हैं, लास्ट में तो बहुत ज्यादा रश हो गया, एकदम से सारे बच्चे बुलाने पड़ गए क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया था। तो अब देखो यार इतना प्राउड मोमेंट है, आप लोग भी बस करो, बस मेहनत करो बहुत अच्छे से, होगा आपका भी। सर इस तरह हमारा पूरा दिन बीता, ठीक है, बहुत अच्छा डे था यार, यहाँ से फिर एंड हुआ ये इवेंट, पंकज सर को इवेंट एंड हुआ, इवेंट एंड होने के बाद हम लोग गए बस में वापस जनकपुरी सेंटर, और जनकपुरी सेंटर से अपने अपने घर, रात के 12:30 बज गए थे यार घर आने में, मतलब काफ़ी अच्छा दिन बीता पूरा, इस तरह से पूरी तरह से ख़त्म हो गया। और यहाँ पर आप पंकज सर को देख रहे हो कैसे सिंपल बैठे हुए हैं। ठीक है गाइस, वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, यहाँ पर आपको नीट से रिलेटेड सारी गाइडेंस मिलेगी, और कॉन्ग्रेचुलेशन लिखना कमेंट में सबको, और मेरी तरफ से भी आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन।